अगस्त मुनि के थाना में रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ मैं यहाँ पे। ऊपर ये पेड़ भी नीचे गिरने वाले हो रखे हैं, ये देखो इतना बड़ा पत्थर आ रखा है ऊपर से टूट के रोड में आ रखा है इतना बड़ा पेड़। हमने रोड में पूरा मलमा आ रखा है क्योंकि ऊपर से टूट रहा है और ऊपर जो मकान है उनको भी काफ़ी खतरा बना हुआ है ऐसे में। और जिस दिन ये फर्स्ट टूटा उस दिन हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क हो रखी थी। दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले मैं सोनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। हो चुकी है मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ, और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अगस्त मुनि से, जहाँ से कि डेली होती है। तो दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:55 पर, यानी कि 10 बजने वाली है। और इधर का मौसम आज कुछ इस तरह से हो रखा है कि बाहर हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है। और आज मेरा प्लान कहीं दूर जाने का था, बट बारिश की वजह से सही नहीं है घर से निकलना, मैं नहीं जा पाई। क्योंकि और बता देती हूँ कि आज है तनु का बर्थडे, तो वो लोग काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि आ जा। तो जाना तो था मुझे, लेकिन ऐसे में बच्चों के साथ घर से निकलना सही नहीं है क्योंकि रोड कई जगह पर टूट फूट हो रही है। तो ऐसे में पता चल रहा बीच में फंस गई, अकेले होती तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे छोटे बच्चों के साथ निकलना सही नहीं है। तो तन्नो को सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रही तुझ पे। और तन्नो की मम्मी नाराज मत होना क्योंकि बारिश की वजह से तो मैं आ नहीं पाई, तो जल्दी मिलूंगी आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है आजकल यहाँ। चारों तरफ हो रही है हल्की फुल्की बारिश, अभी तो हल्की ही हो रही है, सुबह तक तो नहीं हो रही थी पर अभी पता नहीं क्यों स्टार्ट हो गई। और उधर बहुत ज़्यादा टूट रखा है, सामने रोड में पूरा मलमा आ रखा है क्योंकि ऊपर से टूट रहा है और ऊपर जो मकान है उनको भी काफ़ी खतरा बना हुआ है ऐसे में। और जिस दिन ये फर्स्ट टूटा उस दिन हमारी गाड़ी यहीं पे पार्क हो रखी थी। वो तो अच्छा हुआ कि रात में नहीं टूटा, सुबह के टाइम से टूटना स्टार्ट हुआ। जैसे ही गाड़ी निकालने गई वैसे ही वहाँ पे और टूट गया, तो यह है कि गाड़ी भी बच गई। तो अब लोग वहाँ पे गाड़ी पार्क भी नहीं कर रहे हैं। तो बरसात के मौसम में पहाड़ों में तो ऐसे ही होता रहता है, टूट फूट हर जगह, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और यहाँ रहना बहुत मुश्किल भी होता है। यहाँ पे अरबी के पत्तों में बारिश की बूंदें रुकी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। पता नहीं कब जाएगा ये बारिश का मौसम भी, कुछ ज़्यादा ही किचकिच हो गई तब से, रात दिन बस बारिश ही बारिश। और ये है हमारा प्यारा सा अगस्त मुनि, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है ऊपर जंगलों में। तो मिल चुके हैं यहाँ पे गाड़ी और हम जा रहे हैं, और ड्राइवर से बात हो रही है। ऐसी हालत हो रही है, सब जगह पानी पानी हो रखा है बारिश से लतपत। Thank you.
बीमार हैं थोड़े से घूमने के लिए बाहर, क्योंकि घर में रहते रहते भी अजीब सा हो रहा था, हमने सोचा थोड़ा घूम भी लेते हैं। आजकल बरसात में हर जगह ऐसे ही वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। ऐसे रास्तों में चलने में बड़ी दिक्कत है, ऐसे में फिसलते हैं पाँव। ऊपर से टूट के रोड में आ रखा है इतना बड़ा पेड़, और यहाँ पे तो आप देख सकते हो बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। ये देखो इतना बड़ा पत्थर आ रखा है ऊपर से टूट के, वो तो अच्छा हुआ किसी गाड़ी में नहीं गिरा। यहाँ ऊपर पता नहीं कितने दूर से टूट के यहाँ पे आ रखा है। आजकल बरसात के टाइम पे तो घर से बाहर निकलना भी डर ही लग रहा है, जब ज़रूरी काम हो तभी निकलना चाहिए, वरना हालत कुछ ऐसी हो रखी है। एक दो दिन में ऊपर ये पेड़ भी नीचे गिरने वाले हो रखे हैं, सीधे यहाँ पे आ रहे हैं टूट के। और अभी हम पहुँच चुके हैं अगस्त मुनि के थाना में, रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ मैं यहाँ पे, और सामने यहाँ पे है राजकीय इंटर कॉलेज। गेट बंद हो रखा है, आज छुट्टी है ना, इसलिए मैं थाने में इन दोनों की रिपोर्ट लिखाने जा रही हूँ आज। अच्छा से लिखाना है, ठीक है तो ठीक है दोस्तों, आती हूँ मैं रिपोर्ट लिखा के थाने में और फिर मिलती हूँ मैं इन दोनों को। ग्राउंड रामला मैदान, और ये है अगस्त मुनि की डेयरी। मामी जी जा रखी है यहाँ पे दूध लेने के लिए, हम भी चलते हैं। तो शाम की बज चुकी है 6 और हम बैठ गए हैं अभी यहाँ पे। गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, बस बारिश भी हो रही पर उमस टाइप की हो रही, और ये दोनों बना रहे हैं अपने बाल। कारक है मच्छरों को भगाने का जुगाड़। और डॉली भी, हेलो बुआ मुझे आ जाओ सगाई की एल्बम दिखाओ। अच्छा इसको सगाई का एल्बम देखना है, ये काफ़ी दिन से लगी है मेरे पे, मेरी सगाई में एक छोटी सी थी, अब देखो कितनी बड़ी हो गई। तो ठीक है लाती हूँ मैं सगाई का एल्बम और दिखा देती हूँ इसको, काफ़ी दिन से इच्छा हो रखी है इसकी भी, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आप मैं तो कल इन्होंने बहुत पसंद थी, अब तो अब नहीं है समझदार बेची, अब है पर उतना मतलब नहीं रखती क्या। और हमारी शादी में भी और सगाई में भी ये हर जगह पे मिलेगी, तो मैं आगे से इतनी छोटी सी बोनी क्या यार बचपन है आपको। और बाद में कैमरा वाल पता नहीं किसने खींचा यार इसको आगे से, कि तो बहुत टाइम से यहीं बैठ रखी है, चल अब कोई बात नहीं मेरा भी टाइम आएगा इसको खींच के आगे से हटाई, हमारे पीछे से आ गई वो डॉली दीदी पहले भी ऐसे ही जाना घाट में ही नहीं है वहाँ पे से। और एक दुल्हन को तो बोली कि तेरे लहंगे के सितारे गिर गए, अब लगी है उसके वो बेचारे वहाँ पे जी है। बाद में उसने कहा कि कोई बात नहीं गिरने दे, इसने हाथ में सारे सितारे इकट्ठे कर रखे, बाद में दे रही उसको कि संभाल दे। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं एल्बम करके ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मैं सोनी मिलती हूँ आपको अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।